फलौदी सट्टा बाजार ने उड़ा दिए बीजेपी के होश। इस अनुमान के बाद सिर पकड़कर बैठेंगे मोदी। घरी रहेगा शाह की रणनीति, अब क्या करेगी बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश में इन दिनों सियासी तपिश काफी तेज हो चुकी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा लोकसभा चुनाव को लेकर, इसको लेकर खूब अनुमान लगाए जा रहे हैं। लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी की सांसें रुकी हुई हैं, क्योंकि अति आत्मविश्वास में डूबी बीजेपी पहले ही 400 पार का नारा दे चुकी है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस बात पर हावी भर चुके हैं कि राजस्थान में इस बार बीजेपी को 2 से 3 सीटों का नुकसान हो रहा है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि ऐसे कई राज्य हैं जहां बीजेपी की नैया डूब रही है। यानी कि अगर ऐसे ही कुछ कुछ सीटों पर नुकसान हुआ तो लगभग कई राज्यों में यह नुकसान बीजेपी को भारी पड़ेगा और भाजपा का 400 पार का नारा धरा रह जाएगा। हालांकि मतदान के बीच भी दिल्ली में मंथन जारी रहा। खबरें थी कि अमित शाह लगातार रणनीति बना रहे थे, यहां तक कि जीत हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश में तो मंत्रियों को ये तक कह दिया गया कि अगर उनके क्षेत्र में बीजेपी की हार हुई या फिर वोटिंग प्रतिशत गिरा तो अंजाम भुगतना होगा। बावजूद इन सब के बीजेपी की स्थिति में कोई सुधार इस बार नहीं आया। वहीं अपनी चुनावी आंकलन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। मोदी शाह की बेचैनी बढ़ा दी है। 5वें चरण के मतदान के बाद बेहद ही उथल पुथल अभी सट्टा बाजार में दिखाई दे रही है। मोदी के गले की हड्डी यह 5वां चरण का मतदान बन गया। न मोदी इस अनुमान को निगल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं। हालांकि बहुमत तो बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मोदी के माथे पर चिंता की लकीर है। क्यों, वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि बीजेपी का 400 पार का नारा अब टूटता हुआ ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फलौदी सट्टा बाजार के आंकलन को माने तो 5वें चरण के मतदान के बाद बीजेपी की सीटें घटकर 304 से 306 आने के आसार लगाए जा रहे हैं। सट्टा बाजार ने बिहार महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गठबंधन को बड़ा नुकसान बताया है, जबकि कांग्रेस को 52 से 57 सीटें बताने वाला बाजार अब मामूली बढ़ोतरी के साथ 60 से 62 सीटें बता रहा है। दूसरी तरफ वडोदरा कहे जाने वाले राजस्थान को लेकर भी सट्टा बाजार से ताजा अपडेट सामने आया है, जहां अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि कुछ सीटों का नुकसान होगा। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार पहले कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीटें संभावित बताने वाली सटोरी अब प्रदेश में बीजेपी के लिए कुल 25 सीटों में से 19 से 20 सीटों की संभावना जाहिर कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 से 6 सीटें आने की संभावना है। पश्चिम राजस्थान शेखावटी समेत कई हिस्सों में बीजेपी के वोट प्रतिशत में गिरावट का अनुमान है, जिसके चलते देश के हॉट सीट में से एक बाड़मेर सीट पर बीजेपी के पक्ष में नतीजे नहीं होने की बात कही गई, जबकि झुंझुनू सीकर और चुरू में कांग्रेस की मजबूत स्थिति है। इसके साथ ही नागौर और टोंक ऐसी सीटें हैं जहां दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर है। फलौदी सट्टा बाजार के इस अनुमान के बाद बीजेपी के होश उड़ गए हैं। अब देखना होगा कि अनुमान नतीजों में बदलता है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।